बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आबद एग्रीकल्चर में आप दोस्तों को खुश आमदीद। दोस्तों, आपके साथ इस पूरे हफ्ते में कपास का जो रेट रहा है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और मज़ीद इसके क्या चांसेस हैं और इसके जो रेट्स हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे या कम होंगे वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई आइकॉन बेल को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आप दोस्तों को रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से मुतलक ज़रई मशीनरी और ज़रई जनास की जो मालूमात है वो मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कपास वैसे भी इसका जो है वो एंड चल रहा है और एंड के दौरान जितने भी हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमें मिल सकें वो हम ले लें। तो वैसे तो इसका जो रेट सीज़न, क्योंकि अब जो है वो इसको सीज़न नहीं कहा जा सकता क्योंकि कपास ख़त्म हो चुकी है और सीज़न के अंदर इसका रेट तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये तक भी गया था। ये एक बहुत अच्छा रेट है और पूरी तारीख के अंदर इसका इतना रेट तकरीबन नहीं रहा। इसके बाद अगर हम आज इस हफ़्ते की बात करें तो हफ्ते वाले दिन इसका रेट जो था वो तकरीबन 7 हज़ार रुपये से 7500 रुपये तक था और इतवार वाले दिन मज़ीद 200 रुपये इसका रेट बढ़ गया था, 7700 रुपये तक चला गया था। फिर जैसे ही सोमवार मंगल आई, सोमवार मंगल वाले दिन जो था इसका रेट 100 रुपये कम हो गया और जब एंड वाले दिन बुध जुमेरात का अगर बात की जाए कल की, तो कल इसका जो रेट था वो तो टॉप रेट जो था वो 6500 रुपया था, यानी कि इसका जो रेट था वो कम हो गया था। तो मज़ीद इसके चांसेस ऐसे हैं कि अगर तो आलमी मंडी के अंदर इसकी कीमतें बढ़ जाएं या मज़ीद जो है वो उसके अंदर इजाफ़ा हो और आगे फैक्ट्रियों के अंदर इसकी मांग बढ़ जाए तो फिर इसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं। और वैसे भी एक सीज़न है रुई का, तो जिस जब इसकी मांग के अंदर इजाफ़ा होता है तो मज़ीद इसके अंदर इसका जो रेट है वो बढ़ जाता है। तो वैसे जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद बहुत है अल्लाह ताला के घर में कि इंशाल्लाह इसका रेट बढ़ेगा और तकरीबन जो है ये यही 8000-8500-9100-9100 तक भी जाता रहा है और इंशाल्लाह इस हफ्ते में भी यही रेट रहेगा। बाकी इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर आप दोस्तों के साथ कपास की अपडेट्स जो है वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। इंशाल्लाह कल एक नई अपडेट्स के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।